कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि लैंडलॉर्ड को अचानक उस घर की ज़रूरत पड़ जाए जी। तो वो आपसे कहेगा कि आप एविक्ट कर दीजिए। तो उस सिचुएशन में एविक्शन के क्या टर्म्स होंगे, कि आपको कितने मंथ की वो प्रायर नोटिस देगा, तो ये सब आप पहले से डिसाइड करिए डिपेंडिंग अपॉन योर नीड। सपोज़ आप परिवार के साथ रहते हैं, आपका बच्चा पढ़ता है उस लोकेलिटी में, तो आपको जो है जो नोटिस पीरियड होगा वो बढ़वा के रखना चाहिए। 3 मंथ्स का करिए, 5 मंथ्स का करिए, या फिर 1 साल का करिए। रजिस्ट्रेशन करवाने के 2 फ़ायदे होते हैं। नंबर 1 फ़ायदा ये होता है कि आप उस एग्रीमेंट को एनफोर्स करा सकते हैं, ठीक है। अगर आप 11 महीने का एक रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट, सपोज़ आप 2 साल का एक एग्रीमेंट करते हैं आपस में रहने के लिए, पर आप उसको रजिस्टर नहीं कराते, इसके जो टर्म्स हैं उससे कोई भी पार्टी बाध्य नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्लॉज है कि भाई अगर लैंडलॉर्ड कभी इंस्पेक्ट करना चाहे प्रॉपर्टी को, तो उसके क्या टर्म्स होंगे, कि आप 24 घंटा पहले, 48 आवर्स पहले आप एक नोटिस दीजिए, आई जस्ट वांट टू चेक। और मेरा ये मानना भी है कि लैंडलॉर्ड को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कभी कभी अपनी प्रॉपर्टी चेक भी करते रहना चाहिए, वरना लास्ट में अक्सर ये डिस्प्यूट देखने को मिलता है। तो आपको ये सब चीज़ें अश्योर करना चाहिए कि आप उसमें इंस्पेक्शन का पॉइंट जरूर डालें। कभी कभी क्या होता है कि कुछ टेनेंट्स अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो जाते हैं, विच मे बी मैनी थिंग्स, ड्रग अब्यूज़, ऐसी चीज़ें। तो ऐसे में आपके पास एक क्लॉज ये ज़रूर होना चाहिए कि इफ़ द टेनेंट इज़ फाउंड इंडल्जिंग इन अनलॉफुल एक्टिविटीज़, ऐसी सिचुएशन आपको एमरजेंसी सिचुएशंस रखना चाहिए कि आप वहाँ से ये सब क्लॉज ना चलें कि 3 मंथ का नोटिस देना ज़रूरी है। और तीसरा ये है कि अगर आप चाहें तो भाई नॉन पेमेंट ऑफ की मेंटेनेंस चार्जेस टू द सोसाइटी, या फिर नॉन पेमेंट ऑफ द रेंट, आप क्या एसेंशियल सर्विस बार कर सकते हैं कि नहीं, इन सब चीज़ों पर भी आपको क्लियर कट क्लॉज डालना चाहिए।